प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12th हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर चल रहा था 6 विद्युत परिपथ, और विद्युत परिपथ के भाग 4 हो गए। भाग 4 में अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स और विभव मापी के बारे में पढ़ा था, और विद्युत परिपथ के भाग 5 में आज का अपना टॉपिक है विभव मापी सिद्धांत। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विभव मापी सिद्धांत। विभवमापी सिद्धांत, विभवमापी सिद्धांत क्या है? विभवमापी में 10 मीटर लंबा तार होता है जो संबंधक पेच ए व बी के मध्य लकड़ी के आधार पर एक एक मीटर के फेरों पर तनी हुई अवस्था में या खींची हुई अवस्था में होता है। संचायक सेल धनागर ऋणागर पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH, कुंजी K1, संचायक सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन P, इनको श्रेणी क्रम में जो जोड़कर विभव मापी तार AB के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है, इसे प्राथमिक परिपथ या स्थायी परिपथ कहते हैं। प्राथमिक या स्थायी परिपथ, प्राथमिक या स्थायी परिपथ। एक अन्य परिपथ में सेल के धनाग्र को विभवमापी के उच्च विभव बिंदु A से तथा ऋणाग्र को धारामापी से संयोजित कर विसर्पी कुंजी J से संयोजित कर दिया जाता है। विसर्पी कुंजी J से संयोजित कर दिया जाता है, ये एप्सिलॉन। इसे द्वितीयक सेकेंडरी सर्किट, द्वितीयक या गौण परिपथ, द्वितीयक या गौण परिपथ कहते हैं। कार्य प्रणाली में ये तो परिपथ रचना थी, कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली में सर्वप्रथम कुंजी K1 में डॉट लगाते हैं। सर्व प्राथमिक परिपथ में लगी कुंजी K1 में सर्वप्रथम डॉट लगाते हैं, जिससे प्राथमिक परिपथ में क्या प्रवाहित होती है? धारा। धारा नियंत्रक RH की सहायता से परिपथ में अधिकतम धारा का प्रवाह करते हैं। धारा नियंत्रक RH की सहायता से परिपथ में अधिकतम धारा का प्रवाह करते हैं। अधिकतम धारा कब प्रवाहित होगी? जब इसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध शून्य होगा। इस साइड ये पॉइंटर चलेगा तो प्रतिरोध अधिकतम होगा, इस साइड चलेगा तो प्रतिरोध न्यूनतम होगा। जब प्रतिरोध न्यूनतम होगा तो परिपथ में धारा अधिकतम बहेगी, और अधिकतम धारा की स्थिति में संचायक सेल का विद्युत वाहक बल विभवमापी तार AB के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। मान लीजिए इसका विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है, तो A और B बिंदु के बीच भी विद्युत वाहक बल या विभवांतर 6 वोल्ट ही होगा, ठीक है, बराबर होगा। यदि द्वितीयक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल प्राथमिक परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल से कम, यदि द्वितीयक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल प्राथमिक परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल से कम हो, प्राथमिक परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल से कम हो, तो तार AB, तार AB ओके तार AB के सिरों पर विसर्पी कुंजी को बिंदु A के पास स्पर्श कराते हैं और धारामापी में विक्षेप की दिशा प्रक्षित कर लेते हैं, और उसके पश्चात बिंदु B पर स्पर्श कराते हैं और धारामापी में विक्षेप की दिशा प्रक्षित कर लेते हैं।
यदि दोनों स्थिति में विक्षेप एक दूसरे के विपरीत है तो संयोजन सही है, अन्यथा ऐसा नहीं होता है तो सभी संयोजनों को क्या कर लेते हैं, दृढ़ कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं। और संचायक सेल क्या होना चाहिए, पूर्णतया आवेशित होना चाहिए। संचायक सेल पूर्णतया आवेशित होना चाहिए, ठीक है। इसके पश्चात अगर बिंदु ए के पास विक्षेप और बिंदु बी के पास विक्षेप एक दूसरे के विपरीत है तो विसर्पी कुंज को बिंदु ए से चलाना प्रारंभ करते हैं और तार ए बी पर एक बिंदु सी ऐसा प्राप्त करते हैं, तार ए बी पर एक बिंदु सी ऐसा प्राप्त करते हैं जिस पर धारामापी में विक्षेप का मान शून्य प्राप्त हो जाए, जिस पर धारामापी में विक्षेप का मान शून्य प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए, हाँ उसे क्या कहते हैं, संतुलन बिंदु, अविक्षेप स्थिति या संतुलना अवस्था कहा जाता है। अविक्षेप स्थिति कहा जाता है, संतुलन अवस्था कहा जाता है, शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। मान लीजिए संतुलन बिंदु C बिंदु A से कितनी दूरी पर प्राप्त होता है, L दूरी पर प्राप्त होता है, कितनी दूरी पर, L दूरी पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप बिंदु A से B की ओर जाएंगे तार की लंबाई बढ़ती जाएगी। अपन जानते हैं तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V बराबर I R और पूरे तार में धारा समान बहती है A से B तक, लेकिन A से B की ओर जाएंगे तो तार की लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोध बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा। अपन ने ये पढ़ रखा है पिछले वाले लेसन में, R समानुपाती है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा और प्रतिरोध बढ़ता जाएगा तो धारा तो नियत है तो विभवांतर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब V समानुपाती R समानुपाती L, V समानुपाती क्या हो गया, L हो गया। तो विभवमापी तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, V समानुपाती L और V बराबर एक्स एल, V बराबर एक्स एल, जहां X क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। X समानुपाती स्थिरांक है जिसे विभव पारवणता कहते हैं, जिसे विभव पारवणता कहते हैं, विभव पारवणता कहते हैं, ठीक। X बराबर V बट्टा L, X बराबर V बट्टा L हो गया। यदि ये समीकरण दो, यदि L बराबर 1 मीटर तो X बराबर V, X बराबर V, एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर विभव प्रवणता कहलाता है, या एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं, जिसका मात्रक V का मात्रक वोल्ट, L का मात्रक मीटर, जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, ऐसा ही मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। यदि विभवमापी तार में प्रवाहित धारा I और विभवमापी तार का प्रतिरोध कैपिटल है R है, यदि विभव मापी तार में प्रवाहित धारा I तथा उसका प्रतिरोध
कैपिटल है आर है, एक्स बराबर आई आर बाई एल, वी का मान आई आर हो गया, आई आर बाई एल ये आ गया। ये समीकरण अपनी कितनी हो गई, चार। यदि धारा नियंत्रक का प्रतिरोध कैपिटल आर डैश तथा संचायक सेल का प्रतिरोध स्मॉल आर है, संचायक सेल का प्रतिरोध स्मॉल है आर है। तो धारा आई प्राथमिक परिपथ में, इसका प्रतिरोध क्या हो गया स्मॉल आर, इसका प्रतिरोध आर डैश और इसका प्रतिरोध कैपिटल आर। तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस आर डैश प्लस स्मॉल है आर। और विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन पी, एप्सिलॉन पी बराबर आर प्लस आर डैश प्लस स्मॉल आर, ये आ गए। ये समीकरण चार। पांच, तीन व नहीं चार व पांच से एक्स बराबर एप्सिलॉन पी आर प्लस आर डैश प्लस स्मॉल आर आर बाई एल, ये समीकरण कितनी हो गई, छः। ठीक है, ये आई हो गया। चूंकि विभवमापी तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो हो, विभवमापी तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो हो और विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तो आर बराबर रो एल बाई ए, आर बराबर रो एल बाई ए, आर बाई एल बराबर रो बाई ए, आर बाई एल बराबर रो बाई ए। आर बाई एल का मान क्या रखते हैं अपन, रो बाई ए रखते हैं। समीकरण छह से एक्स समीकरण छह से एक्स बराबर ई पी एप्सिलॉन पी आर प्लस आर डैश प्लस स्मॉल आर और आर बाई एल बराबर रो बाई ए, एक्स बराबर आई रो बाई ए, और ये समीकरण कितनी हो गई, सात हो गई, समीकरण हो गई सात। ठीक है, एक्स बराबर आई रो बाई ए। यदि विभव मापी तार की त्रिज्या स्मॉल ए हो तो ए बराबर पाई ए स्क्वायर, इसलिए एक्स बराबर आई रो बाई पाई ए स्क्वायर
समीकरण आठ हो गया। समीकरण सात से और क्या है, सात और आठ से क्या स्पष्ट है, विभव प्रवणता की निर्भरता। विभव प्रवणता की निर्भरता पहला क्या है, x समानुपाती I, पहला विभव प्रवणता प्रवाहित धारा की समानुपाती होती है। विभव प्रवणता प्रवाहित धारा की क्या होती है, समानुपाती। यदि प्राथमिक परिपथ में अधिक धारा बहती है तो विभव प्रवणता का मान भी अधिक होता है, प्राथमिक परिपथ में धारा कम प्रवाहित होती है तो विभव प्रवणता का मान भी कम होता है। x समानुपाती रो, यदि तार का विभव मापी तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक हो तो विभव प्रवणता अधिक होती है, विशिष्ट प्रतिरोध कम हो तो विभव प्रवणता कम होती है। तीसरा x व्युत्क्रमानुपाती a, अर्थात विभव प्रवणता विभव मापी तार की अनुप्रस्थ काट की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि अनुप्रस्थ काट अधिक होता है तो विभव प्रवणता कम होती है, अनुप्रस्थ काट कम होता है तो विभव प्रवणता ज़्यादा होती है। यानी पतले तार का अनुप्रस्थ काट कम होगा तो विभव प्रवणता ज़्यादा होगी, मोटे तार का अनुप्रस्थ काट ज़्यादा होगा तो विभव प्रवणता कम होगी। एक्स व्युत्क्रमानुपाती ए स्क्वायर, एक्स व्युत्क्रमानुपाती ए स्क्वायर, विभव प्रवणता तार की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तार की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से विभव प्रवणता संचायक सेल के विद्युत वाहक बल, तार की लंबाई, तार की लंबाई तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है। विभव मापी के साथ सावधानियां, विभव मापी के साथ सावधानियां, क्या क्या सावधानियां हैं, पहले सावधानी, प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होना चाहिए, अधिक। ये मान इस मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, अन्यथा संतुलन बिंदु तार ए बी पर प्राप्त ही नहीं होगा। नंबर दो, प्राथमिक तथा द्वितीयक परिपथ में जुड़े सभी सेलों के धनाग्रह विभव मापी के उच्च विभव बिंदु ए से जुड़ने चाहिए, विभव मापी के उच्च विभव बिंदु किसे जुड़ने चाहिए, ए से, ठीक है। तीसरा, संतुलन लंबाई विभव मापी के उच्च विभव बिंदु ए से मापी जानी चाहिए, संतुलन लंबाई विभव मापी के बिंदु ए से मापी जानी चाहिए, ए से नापते हैं न कि बी से, जिससे सभी सेलों के धनाग्रह बिंदु ए से जुड़ते हैं उस साइड से नापते हैं। तीन, चौथी सावधानी, संचायक सेल पूर्णतया आवेशित होना चाहिए। और पांचवी सावधानी, विभव मापी तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, विभव मापी तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक धारा प्रवाहित करेंगे तो तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और तार गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो विभव प्रवणता परिवर्तित हो जाएगी, इसलिए विभव मापी तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। छठी सावधानी, विसर्पी कुंजी को तार पर दबाकर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि विसर्पी कुंजी को तार पर दबाकर चलाते हैं तो तार की मोटाई सब जगह एक समान नहीं रहेगी, और एक समान नहीं रहेगी तो अनुप्रस्थ काट परिवर्तित हो जाएगा, और अनुप्रस्थ काट परिवर्तित होते ही विभव प्रवणता परिवर्तित हो जाएगी, ये बदलेगा। एक्स व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो तार की
लंबाई के साथ अनुप्रस्थ काट क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। ठीक है, ओके।